क्या आपका पीरियड मिस हो गया है या फिर आप वरीड है कि क्या प्रेग्नेंट हो सकती है, तो कंफर्म करने के लिए क्या करें। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज कुमार शाह, मैं एक पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, ये बहुत ही आसानी के साथ आपको मार्केट में मिल जाएगा विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। और ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, ये बहुत सारे ब्रांड के मार्केट में अवेलेबल है। और ये सारे किट लगभग इस एक ही तरह से काम करता है। इसमें आपको अगर टेस्ट करना है तो आपका रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस ब्रांड का आप ये किट यूज कर रहे हो। जी हाँ गाइज, बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के अगले दिन कर ले या फिर 2 दिन बाद कर ले या फिर 10 दिन बाद कर ले या फिर 2 हफ्ते बाद करें, ये सारे सवाल हमसे पूछते रहते हैं। तो आपका सारे सवालों का आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ये जो आप लोगों का बहुत सारे मिथ है कि प्रेगनेंसी टेस्ट को घर पे ही किया जा सकता है, टूथपेस्ट से हो, डिटॉल से हो, शुगर से हो, ये सब से किया जा सकता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस सारे चीज़ को आप यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो किट है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, ये कैसे काम करता है। सो, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि जब एक आपका फर्टिलाइज हो जाता है, तो यह फर्टिलाइज जब आपके बच्चेदानी के अंदर अटैच हो जाता है, तो उसके बाद एक हार्मोन जिसे कहते हैं HCG, यानी कि ह्यूमन कोरोनरी गोनाडोट्रोफिन, यह हार्मोन आपके शरीर में प्रोड्यूस होने लगता है और यह हार्मोन फिर यूरिन में भी निकलने लगता है। और इसी हार्मोन के प्रेजेंस को ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट चेक करते हैं। अगर यूरिन में HCG नामक हार्मोन प्रेजेंस है, तो वह महिला प्रेग्नेंट है। अब हम बात करेंगे कि टेस्ट को करना कैसे है। सबसे पहले हमने इस पैकेट को खोलना है और इस पैकेट के अंदर के कंटेंट को बाहर निकालना है। ये प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है जिसमें हमें यूरिन डालना है। इसके अलावा इसके अंदर एक ड्रॉपर होगा जिससे हमें यूरिन डालना है, और एक मॉइस्चर ऑब्जर्व करने का ऑब्जर्वमेंट होता है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, एंड दिस कैन बी डिस्कार्डेड वंस वी ओपन द पैकेट्स। यूरिन कलेक्ट करने का तरीका क्या है? या तो आप किसी भी कंटेनर में या फिर इसी पैकेट में यूरिन को इकट्ठा कर सकती है, या फिर आप यूरिन को इकट्ठा करने की बजाय यूरिन की धार के अंदर भी इस किट को डिप कर सकती हो। अब आप इस पे ध्यान से देखेंगे कि इसमें 2 लीटर लिखे हैं इस रेक्टेंगल पे ऊपर। 1 is the C विच स्टैंड फॉर कंट्रोल एंड 1 is the T विच स्टैंड फॉर टेस्ट। अब ड्रॉपर से 3 ड्रॉप यूरिन के लेंगे और इस वेल वाले रीजन में उस यूरिन को डालेंगे। यूरिन के डालने के बाद 2 मिनट का वेट करेंगे और इसी रेक्टेंगल में उस रिजल्ट को रीड करेंगे। जैसा हमने कहा, एक लाइन कंट्रोल के अगेंस्ट हमेशा दिखाई देगी। अगर टेस्ट के अगेंस्ट भी लाइन आती है, विच मीन्स किट में 2 लाइन आ रही है, इसका मतलब देयर इज प्रेगनेंसी एंड टेस्ट इज पॉजिटिव। लेकिन अगर टेस्ट के अगेंस्ट कोई लाइन नहीं आ रही है, केवल कंट्रोल के अगेंस्ट ही लाइन आ रही है, इट मीन्स टेस्ट इज निगेटिव, यानी कि वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं है, ये बुझा जा सकता है। तीसरे कंडीशन ये भी है कि कोई लाइन अपेयर नहीं हो रहा है, ना ही तो कंट्रोल के अगेंस्ट कोई लाइन अपेयर हो रहा है, ना ही तो टेस्ट के अगेंस्ट कोई भी लाइन अपेयर हो रहा है। इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो टेस्ट किट है जो हमने चेक किया है, वो किट खराब हो चुका है, इनवैलिड हो सकता है, एक्सपायरी डेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर हमने जो चेक किए है वो तरीका शायद ठीक नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, कोई दूसरा टेस्ट किट ट्राई अप कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ द टेस्ट इज डन। अब अगला सवाल ये आता है कि टेस्ट कब करना है। द बेस्ट टाइम टू डू दिस टेस्ट व्हेन एवर यू मिस योर पीरियड्स। अगर आपके रेगुलर साइकिल से 28 से 30 दिन का और आपका मिस नहीं हो रहा है, तो उस समय पे आप टेस्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, तो उस समय में आप क्या कर सकते हो, आपका जब भी लास्ट इंटरकोर्स हुआ है उसके बाद के 3 हफ्ते तक वेट करें और 3 हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। अब बात करेंगे दिन के किस समय में हमें टेस्ट करना चाहिए। सो, दिन के किसी भी समय में आप टेस्ट कर सकती हो। हालांकि अर्ली मॉर्निंग के यूरिन से अगर आप टेस्ट कर रहे हो, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इमीडिएटली टेस्ट करने से पहले बहुत सारा पानी पिए हो या फिर बहुत सारा कॉफ़ी पिए हो, तो इससे क्या होगा, आपका यूरिन थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, एंड इन दैट केस आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी है लेकिन वो टेस्ट में नेगेटिव दिखाई पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी तो है पर वो टेस्ट में शो नहीं कर रहा है, व्हिच व्हीकल्स फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव होने का और भी कारण है, जैसे कि अगर आप टेस्ट बहुत जल्दी ले रहे हैं, वो भी हो सकता है,
या फिर आप जो टेस्ट कर रहे हो वो कीट वो एक्सपायर हो चुके हैं या फिर इनवैलिड हो सकती है। और अगला कारण ये भी है कि जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो तरीका शायद ठीक नहीं है, इसी कारण से क्या हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव दिखाई दे सकती है। हाँ, एक और ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि ये जो कंट्रोल लाइन है वो तो है ही, लेकिन जो टेस्ट लाइन होता है वो बहुत डार्क नहीं है, वो एक हल्के रंग की है। इस रिजल्ट को बोलते हैं फैंड पॉजिटिव। फैंड पॉजिटिव का मतलब क्या हो सकता है, डेफिनेटली प्रेग्नेंट है। जब दो लाइनें प्रेजेंट है तो वो लेडीज वो महिला डेफिनेटली प्रेग्नेंट है, लेकिन क्या होता है लाइन इतनी गहरी नहीं होती। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जो ये टेस्ट कर रहे हो वो बहुत ही जल्दी कर रहे हो, अभी प्रेगनेंसी हार्मोन इतनी मात्रा में नहीं बना है, इसीलिए टेस्ट किट की लाइन क्या होता है फेंट कलर का आता है, फिक्का कलर की आती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि प्रेगनेंसी है लेकिन वो ठीक तरह से बढ़ नहीं रही है, प्रोबेबली उसको मिसकैरेज होने की चांसेस हो सकती है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में एबॉर्शन कहते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि प्रेगनेंसी के जो इम्प्लांटेशन है वो बच्चेदानी के अंदर ना होकर कहीं बाहर है, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, दो दिन का वेट करें और दो दिन के बाद फिर से टेस्ट को रिपीट करें। अगर आपने मॉर्निंग यूरिन के सैंपल से नहीं किया है तो आप मॉर्निंग यूरिन के सैंपल से चेक करके उसको रिकन्फर्म कर सकते हो। और ये सब करने के बाद भी अगर आपका पीरियड नहीं हुआ है और इसके साथ साथ में आपका जो ये किट है वो निगेटिव दिखाई दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आपको डॉक्टर से मिलना है। और डॉक्टर से मिलने के बाद क्या करना है, आपको ब्लड टेस्ट करवाना है। अगर आपका ब्लड टेस्ट निगेटिव है तो इसका मतलब हुआ आप प्रेग्नेंट नहीं हो। गाइज, ये इन्फॉर्मेशन जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे हेल्थ से रिलेटेड टिप पाने के लिए यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।